अजमत रसूल की। मुमकिन नहीं बयान हो अजमत रसूल की। अल्लाह मुमकिन नहीं बयान हो अजमत रसूल। कौन कौन से आप अगला पेश कर सकते हैं? दोज़ख की आग उसको जलाए कि क्या फला। दोज़ख की आग उसको जलाए कि क्या भला। जिसने नबी के इश्क में खुद को जला किया उसको जलाए कि क्या भला। जिसने नबी के इश्क में खुद को जला जिसने नबी के इश्क में खुद को जला दिया। मर गए रसूल की। मुमकिन नहीं बयान हो अजमत रसूल की। शुक्रिया दोस्तों, उधर दे पाए तो अल्लाह मुझसे ले रहा है। अल्लाह से हबीब का था बस एक सवाल। दोस्तों, मैं इस शेर में शेर का चाहता हूँ
अगर आप थोड़ा सा जगह छोड़ दे, मैं जानता हूँ मैं किसी भी वक्त अपने मूड में आ सकता हूँ साहब, मैं सौरभ पादरी हूँ, मत घबराइए, मैं समझता हूँ आप चाहते क्या है, लेकिन अभी बैठिए आराम से काम लेते हैं, इतना बेचैन मत हो जाओ दोस्तों, हालात अच्छे नहीं है, कुरान अहले बैत को मजबूती से पकड़ लीजिए, मत घबराओ, डूबिए थोड़ा सा डूबिए, बड़ी मुश्किल से कुछ होता है। गंजी वाले भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह को सलामत रखे, शुक्रिया। मेराज में भी आपको तू रही करीब ने बोला, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस खड़े थे किसी दीवाने को जो सरकार की मोहब्बत ने मुझे 500 रुपए ला कर दिया मदरसे के लिए, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कदी कदी बहुत करीब है मौला, बहुत करीब है, बड़ी मुश्किल से जलसे होते हैं दोस्त, मदरसे वाले पहले तुम तक जाते हैं मांगने के लिए, ये लाखों का मजमा है, दे दो बेटा, अल्लाह को सलामत, अपने प्यारे हबीब के सदके में दोस्त हाजी नमाजी मौला पढ़ा, सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका? अहमद रजा, सुभान अल्लाह, उस हाथ में क्या मत है, उसको भी दे हाथ में दे दो, घटे घटे एक उपाय नहीं चाहिए, 100 रुपए दे दीजिए उपाय, माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सब गायब हो गए, वो भी टांग सुनना चाहता है, देखो भाई टांग में बैठा हूं, टांग टांग बाबा से कहते जी है